गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी मैं 6th स्टैंडर्ड का हिंदी लेने जा रही हूँ। आज हम लोग इसमें रीड करेंगे पेज नंबर 43, 44, 45 एंड 46 एंड 47। इसमें हमारे सिंबल आ जाते हैं। ओ का सिंबल है इसमें, औ का सिंबल, अंग सिंबल और अह का सिंबल जो हमारा आता है वो हम लोग इसमें विसर्ग और चंद बिंदु ये हम लोग इसमें रीड करने वाले हैं। तो जो हमारा पेज नंबर 43 है उसमें जो हमारा सिंबल है वो है हमारा ओ का सिंबल। देन ओ का सिंबल होता है हमारा वन ओ, फर्स्ट आउट टू राइट ओ। जो हमारा ओ का सिंबल होता है वो होता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन, देन ऊपर हमारी मात्रा जाती है। अभी इसमें जैसे साउंड आता है ओ, किसी भी वर्ड को हम लोग अगर बोलते हैं जैसे कि ओ से ऊपरी बोल देंगे, ओ से ओडनी, तो हमारा जो साउंड आता है वो आता है ओ का साउंड। तो ओ का हमें यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे ओ का सिंबल यूज करना है। जैसे कि वो मोर यानी कि पीकॉक, तो हमारा जो इसमें साउंड आता है ओ म देन ओ, हमारा इसमें साउंड आया है यहाँ पे, हम लोगों ने वर्ड नहीं बोला यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा जो साउंड क्या हुआ है ओ का साउंड। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन एंड ऊपर मात्रा, और ये हो गया हमारा र देन मो र मोर। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा, मैं एज पर एग्जांपल एक और लेती हूँ, तोता यानी कि पैरट। अब तोता यहाँ पे हमारा कौन सा साउंड आता है ओ, तोता ओ, ओ का साउंड। तो ये ओ का साउंड जो किस पे आ रहा है, हमारा फर्स्ट लेटर पे हमारा ओ का साउंड आ रहा है। तो देन ओ, ओ का सिंबल, तो और उसके बाद हमारा यहाँ पर एक और सिंबल है, एक और मात्रा है, वो है हमारी यहाँ पर आ की मात्रा। आ की मात्रा हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये हो गया हमारा तोता। अब एक और मैं बताती हूँ यहाँ पे एग्जांपल। नेक्स्ट जो यहाँ पे पिक्चर शो किया गया ये है गोभी यानी काउलीफ्लावर। तो उसे कैसे बोले, ग देन ओ देन भ। अब यहाँ पर हमारा एक और सिंबल आता है, वो है हमारा ई की मात्रा। ये कौन सी वाली, गोभी। तो मैंने इसमें साउंड जो हमारा है लॉन्ग साउंड आया, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पर आती है बड़ी ई यानी कि बड़ी ई का सिंबल। तो ये क्या हो गया हमारा, गोभी। नेक्स्ट वन मोती, म देन ओ त देन यहाँ पर भी मोती ई। मेरा साउंड यहाँ पर देखो, ध्यान देना इस बात पे, मोती। तो मेरा साउंड है यहाँ पे लॉन्ग आता है, तो यहाँ पर भी हमारी आ जाएगी बड़ी की मात्रा, म ओ देन त ई मोती। ओके, तो हम लोग इसको रीड करते हैं। ल ओ ग लोग, छोटा छोटा स्मॉल, लो भी लो भी ब्लू पर्सन, रो टी रोटी, ग ओ ल गोल राउंड, र ओ क रोक, स ओ च सोच। अब यहाँ पर देखो जो रेड मार्क यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हमें ओ की मात्रा को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और ये ऊपर क्या है हमारा, ऊपर मात्रा गई है। तो ये क्या हो, ये हमारी ओ की मात्रा। सोच धोती धोती, भोजन भोजन, बोतल बोतल, टोकरी टोकरी, पोटली पोटली, ओखली ओखली, ओढ़नी ओढ़नी, ढोलक मोरनी। तो ये तो था हमारा ओ का सिंबल। अब आता है हमारा औ का सिंबल। तो औ का सिंबल जो हमारा होता है इसमें, अब यहाँ पर ये ओ का सिंबल में क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है, देन इसके ऊपर एक मात्रा है। अब ये हमारा आता है औ का सिंबल में क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आया एक स्ट्रेट लाइन देन ऊपर दो मात्रा, ये हमारा औ का सिंबल। अब जैसे अगर मैं बताती हूँ उसमें पौधा, प देन औ। अब मैंने यहाँ पे औ बोला, इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पे औ का लेटर लिख दो, वर्ड ही लिख दो, नहीं, यहाँ पर औ का हमें सिंबल यूज करना है। क्या सिंबल करना है, यूज सिंबल। तो ये हमारा हो गया औ का सिंबल। देन ध, अब एक और सिंबल है यहाँ पर हमारा आ, पौधा। नेक्स्ट बनाता हमारा लौकी, ल
सेम औ की मात्रा औ का सिंबल औ देन क देन की लो की। तो मैंने क्या बोले यहाँ पर बड़ा सा लो लंबा सा साउंड लिया है, यहाँ पर आ गया हमारा बड़ी ई लो की। नेक्स्ट वन है हथौड़ा ख थ देन औ ड और फिर एक और सिंबल आ हथौड़ा। नेक्स्ट वन जो हमारा आता है इसमें फव्वारा ह देन औ का सिंबल देन व देन आ देन अगेन र देन आ फव्वारा। ये हो गया हमारा औ की मात्रा। तो यहाँ पे ध्यान देने के लिए क्या है कि जो हमारा साउंड होता है उसी से हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा हम लोग ओ का साउंड यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे हम औ का साउंड यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मोर तोता गोभी मोती मोना, तो यहाँ पर ओ का साउंड आ गया तो ये ओ की मात्रा। और औ की मात्रा हम पौधा लौकी हथौड़ा फव्वारा नऊ नौका औ, तो यहाँ पे क्या आ गया ये औ की मात्रा। तो हमें यही इसमें देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अब इसको लेसन को यहाँ पे रीड करते हैं पेज नंबर को। जैसे कि औ हो गया पौधा प औ पौधा ल औ लौकी अ औ जार औजार फ औ फवारा यहाँ है नऊ सो सौदा मौसी नौका कौन कौआ यानी कि क्रौ चौथा फोर्थ वन औलाद औरत मौसम यानी कि वेदर औषध औषध मेडिसिन गौतम दौलत मनी तौलिया टावल चौकीदार। तो ये हो गया हमारा औ की मात्रा औ का सिंबल। अब आता है हमारा अंग। अंग को हम लोग इसको अनुस्वर भी बोलते हैं। अब ये यहाँ पर मैं लेती हूँ अब नेक्स्ट पेज अंग। ये क्या है हमारा अंग। जो अंक का सिंबल होता है हमारा वो जाता है हमारा वर्ड के ऊपर ऐसे, यहाँ पर सिर्फ एक ये छोटा सा पॉइंट होता है तो ये होता है हमारा अंक का सिंबल। लेकिन इसको हम अनुस्वर भी बोलते हैं। अब इसको अनुस्वर क्यों बोला जाता है। अनुस्वर इसलिए कि जो भी हमारे अंक जो हमारे लेटर्स होते हैं जो वर्ड होता है जब हम उनका प्रोनाउंस करते हैं उनको तो उनका हमारा जो साउंड आता है वो नाक जो हमारा नोज होता है ना नोज के ऊपर वाले पार्ट से आते हैं। जैसे कि घंटा, अगर आप भी इसको धीरे से प्रोनाउंस करोगे और उसका प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि जब हम लोग अंग ऐसी करके बोलते हैं घंटा तो इसका साउंड हमारे नाक के जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से आता है, तो इसीलिए इसको अनुस्वर बोला जाता है। अब जैसे कि घंटा कैसे लिखेंगे हम घ देन अंग उसके बाद ट और फिर आता है आ घंटा। नेक्स्ट वन डंडा ड अन ड आ डंडा। अब यहाँ पे देखो ये मैंने जब बोला घ अन अन अब मैंने यहाँ पे अंग का ये मैंने यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे अंग का सिंबल यूज किया घन घ अन घन ट आ घंटा ड अन ड आ डंडा श देन अंग देन ख शंख। नेक्स्ट वन पंख प अंग ख पंख यानी फैदर पंख। तो ये होता है हमारा अनुस्वर अंग का मात्रा। अब यहाँ पे देखिए हंस ह अंस हंस झंडा खम्बा चंदा अंडा संत संत संग संग ठंड ठंड अंग ग उर अंगूर अंदर अंदर बंदर बंदर यानी मंकी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल अंतर अंतर मंदिर मंदिर टेम्पल चंपक चंपक मंजन मंजन।
तो ये हो गया हमारा अंक का सिंबल, अंक की मात्रा, अनुस्वर। अब आता है हमारा चंद्रबिंदु यानी कि विसर्ग। अब देखिए यहाँ पर चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु क्या होता है हमारा, चंद्रबिंदु हम लोग लगाते हैं वर्ड के ऊपर ऐसे। इसको चंद्रबिंदु भी इसलिए बोला जाता है कि हमें चांद, चांद होता है जैसे हाफ मून होता है ऐसे करके, ये होता है ना हाफ मून का इसका साइन ही होता है, इसके ऊपर ही यहाँ पे ऐसे डोटा के बिंदु आ गए, तो ये हो गया हमारा चंद्रबिंदु। कौन सा हमारा सिंबल है, ये हमारा चंद्रबिंदु। अब जैसे इसको बोलेंगे हम अंगूठी, अंग देन ग देन बड़े उ की मात्रा ठ और ये छोटी ई की मात्रा अंगूठी। क्या हो गया ये हमारा अंगूठी। नेक्स्ट वन दांत, दांत द, फिर यहाँ पे आ गया हमारा चंद्रबिंदु, देन त आ त दांत। नेक्स्ट वन है हमारा पांच, प आ च पांच, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर चंद्रबिंदु। हम इसको रीड करते हैं, इसको ये हो गया हमारा पांच, सा आ प सांप, आंधी बूंद, सूंड सूंड, टांग टांग, बाट बट, चांद आँख यानी कि आइज, पूंछ टेल, आंवला आंवला, उंगली उंगली यानी फिंगर, आंचल बांसुरी, आंगन आंगन, कटीली ढूंढना, तितलियां यानी कि बटरफ्लाईज। तो ये हो गया हमारा चंद्रबिंदु। अब आता है विसर्ग। विसर्ग तो का जो मोस्टली यूज होता है वो हिंदी लैंग्वेज में कम होता है, काफ़ी कम होता है, यूज़ होता है लेकिन काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो उसका साउंड आता है हमारा, जो विसर्ग का हमारा साउंड आता है वो आता है हमारा अह। विसर्ग का साउंड क्या आता है हमारा अह, और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है दो डॉट्स ऐसे, तो ये होता है हमारा विसर्ग का सिंबल अह, ये हमारा विसर्ग अह। अब क क ख ग घ अ आ इ ई हमने जब देखा था तो अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह, अह देखा ना जब लिखा है तो उसका हमारा जो लास्ट का होता है पॉइंट्स में क्या आता है, ये दो डॉट्स होते हैं, तो ये है हमारा अह। तो ये जब हम लोग इसका प्रोनाउंस करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, इसका जब साउंड आता है तो लास्ट में अह का इसमें साउंड आता है, जैसे कि प्रातः, नम है, पुनः, प्राय, संभवतः, सनय, अंततः, तो अह जो आता है ये हमारा होता है विसर्ग। ये ज़्यादातर होता है यूज़, जो अह का जो सिंबल या ये विसर्ग जो यूज़ होता है ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में यूज़ होता है, हिंदी में होता है लेकिन काफ़ी कम होता है। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पर दिया प्रातः, प्रा देन तो उसके बाद अह, प्रातः यानी कि मॉर्निंग, छ यानी कि सिक्स, छ देन सिंबल उसके बाद आता है हमारा छ है, तो हमारा लास्ट में तो साउंड आता है अह है ऐसा करके आएगा। अब जैसे ये हो गया अतः, नम है, पुनः, प्राय, यहाँ पे डॉट्स दिख रहा है, ये हमारा यही हमारा सिंबल है विसर्ग का अह का, प्राय, अंततः, सनय, क्रमशः, मूलतः, संभवतः, दुख, नि नि शुल्क, नि स्वार्थ, तो ये होता है हमारा विसर्ग अह, अह का सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ही हमारी लास्ट इसमें जो मात्राएं थी, जो सिंबल्स होता है, ये हमारा लास्ट सिंबल्स है अह का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।